हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और आज का वीडियो आपको अच्छा करने वाला है। प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैंने उठाया है आज के वीडियो का, तो वो उठाया है हम लोगों की डेली लाइफ स्टाइल से। हम लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मॉर्निंग में उठते ही भगवान से पहले भी याद करते हैं। भगवान को याद ना करें लेकिन उस चीज़ को ज़रूर याद करते हैं, और आप लोग समझ गए होंगे वो चीज़ क्या है। हम मॉर्निंग में उठेंगे, उठते ही हम भागते हैं किचन की साइड में और चाय रख देते हैं गैस के ऊपर। जैसे ही चाय बनती है, चाय पीते हैं, फिर आती है एनर्जी और करना शुरू हो जाता है घर का काम। आप, मैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं मतलब मेरे जैसी। मैं वैसे चाय नहीं पीती मॉर्निंग टी, लेकिन मैं बता रही हूँ, बताने के लिए कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी लेडीजें हैं जो सुबह पहले जब चाय ना पिए जब तक उनसे काम नहीं होता। आप लोग सोच भी रहे होंगे अभी, तो उसी चाय से मैंने आज का टॉपिक लिया है। तो ये वाली चाय जो है, बैड टी जो हम लेते हैं, ये सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी, मैं पिछले एक हफ्ते से गोधन अर्क ले रही हूँ लेकिन कोई रिलीफ मुझे नहीं मिल रही है, तो स्पेशल मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ा। नहीं तो मेरे दिमाग में ये वाला टॉपिक नहीं था, फिर मैंने सोचा नहीं बताना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चाय नाम की जो आफत है ना, ये हमारे देश में नहीं थी 200 वर्ष पहले। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेज हमारे देश में ये चाय छोड़ के गए, लेकिन उनका भी एक तरीका था चाय बनाने का। वो चाय को दूध के साथ मिक्स नहीं करते थे, लेकिन हम इंडियंस जो है ना, वो अलग अपनी एक वो होता ना, रिसर्च करके हम लोगों ने उसमें एक अलग अपना DIY किया, या जो भी किया मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उसमें दूध में ऐड किया, उसमें चीनी ऐड की, उसमें कूट के अच्छे से बढ़िया कड़क सी चाय बनाना हमने स्टार्ट किया, और हम वो पीने लगे जो पूरा जहर हो गया। वो अंग्रेज कैसे पीते थे, वो उबले हुए पानी में थोड़ी सी पत्ती डालते थे और उस पानी को छान के वो फिर उसको हनी के साथ में लेते थे। और हम लोग क्या करते हैं, हम शुगर के साथ लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, चीनी, तो उस तरीके से वो क्या हो जाता है, पूरा जहर हो जाता है। और हम इतना भी नहीं करते कि हम बस बॉईल करें और ले लें, नहीं, तो इतना हम उस चाय पत्ती को उबालते हैं कि उसका पूरी का जब तक निचोड़ ना मिल जाए, हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसमें अदरक कूट के डालते हैं, इलायची डालते हैं, पूरी अच्छे से कड़क वाली बढ़िया मसालेदार। कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरी दूध में बनाते हैं, ऐसी चाय पीते हैं। तो ये वाली चाय आप इग्नोर करने की कोशिश करें। इसके आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसके नुकसान हैं। फर्स्ट तो गैस बनेगी, उठते ही हम जब चाय पीते हैं तो खाली पेट हमारा होता है पूरी रात। हम ये ही एक हमारे डे का टाइम होता है जिसमें पूरी रात 10-12 घंटे हमारा पेट खाली रहता है। जब खाली पेट हम अचानक से चाय पियेंगे, वो एसिड डबल हो जाता है, एसिडिटी बन जाती है, जिसके कारण हमारा पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता। हमारे मोटापे का कारण वो हमारी चाय होती है। फिर दूसरी चीज़ मैं क्या आप लोगों से कहना चाहूँगी, एक कप चाय में 200 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, मतलब 200 कैलोरी होती है। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले में आपको कैलकुलेशन करके भी मैं दिखा देती हूँ, अगर हम ये चाय पीते हैं तो वो इतनी कैलोरी हम एक चाय में लेते हैं। दिन के 4-5 चाय पीने वाले भी लोग होंगे तो वो कितनी कैलोरी ले जाते होंगे अपने बॉडी के अंदर। और इतनी चाय पीने के साथ में एक चीज़ और हो जाती है कि कब्ज रहनी स्टार्ट हो जाती है। फिर पेट अगर साफ नहीं होगा तो हजारों बीमारियां हमारे शरीर को घेरने लग जाएंगी। और फिर ये इतनी बीमारियां जब आनी शुरू होंगी तो फिर बॉडी वैसे ही कंडम हो जाएगी। मोटापा और एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सारी की सारी एकदम मतलब पूरे शरीर को कंडम कर देती हैं, एक टाइप से वो कर देती हैं, जाम कर देती हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें, और वो चाय फिर भी नोटिस नहीं करते, सॉल्यूशन समझते हैं वो चाय ही है। जिसके किसी का पेट साफ नहीं हुआ वो फटाफट से चाय बनाएगा, चाय पिएगा कि हाँ चाय पी के जाता हूँ। तो ये चाय कारण है वो कब्ज होने का भी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चाय पिए लेकिन हर्बल टी पिए। हमारे तुलसी है, अदरक है, इलायची है, इन सबको कूट करके पानी में बॉईल करके एक चम्मच शहद डाल करके फिर आप पिए, वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हर्बल रहेगी। और दिन की शुरुआत हर बंदा अपनी अच्छी करना चाहता है, लेकिन चाय पी के वो क्या कर देता है, वहीं से दिन की शुरुआत गंदी हो जाती है और वहीं से बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और कुछ तो मेरी बहनें ऐसी हैं जो जितनी बार चाय बनेगी एक कप अपना तो निकाल ही लेंगी। ठीक है, और तो और हमारी सभ्यता में भी ऐसा हो रहा है, मतलब हम इंडियंस की सभ्यता में भी ऐसा हो गया कि हम कहीं जाते हैं ना तो सामने वाला भी हमें पहले चाय ही ऑफर करता है, बाकी चाहे कुछ रह जाए लेकिन चाय जरूर पिला के भेजेंगे, चाय तो पी के ही जानी पड़ेगी। तो भाइयों, मैं सिर्फ बहनों भाइयों जो भी हो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी
कि जितना हो सके चाय को स्किप कीजिए। मॉर्निंग तो पीना ही नहीं है, अगर दिन में कभी पीते हैं तो थोड़ी पीनी है। चाय पत्ती के साथ ढंग से उबाल उबाल के चाय पत्ती का एकदम कचूमर नहीं निकालना है, और कोशिश करना हो सके उतना हर्बल टी पीने की। धीरे धीरे हर्बल टी बहुत सारी आ रखी है, अब तो बहुत से ब्रांड्स ने हर्बल टी निकाल रखी है। हर्बल टी पीजिए, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छी आदतें अपनाइए। और अपने जो व्यूज हैं वो मुझे कमेंट्स के थ्रू, मतलब आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट्स के बताइए। बच्चे शोर कर रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू बताना कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना जो भी बुराई लगी हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से विद इन ए न्यू व्लॉग, मतलब अगली कोई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बाय।